अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। लाल सिंह जी, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। और अब पहले दक्षिण कमजोर बोलता था, अब तो दक्षिण भी बहुत ताकत से बोल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना हो, त्रिपुरा हो, सब दूर पूर्वांचल से लेकर और दक्षिण में भी बड़ी ताकत में कमल का फूल खिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकार के प्रति जो विरोध खड़ा होता है वो कहीं भी नहीं है। नरेंद्र मोदी आशा और आस्था का केंद्र बन चुके हैं देश में, क्योंकि गरीबों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के सशक्तिकरण, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए भी, और देश के मान सम्मान, स्वाभिमान यानी कि गौरवशाली भारत बनाने के लिए मोदी जी ने जो किया है उसके कारण देश भर में एक वातावरण है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिताना, इसमें ही भारत का भविष्य है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है कि प्रत्याशी? मुझे लगता है प्रत्याशी तो निमित्त मात्र होता है, वो पार्टी का एक मेहमर होता है जिसे कमल का फूल का निशान दिया जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ती है। और इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी तो नाम मात्र के हैं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल हर जगह चुनाव लड़ रहा है। और इसलिए यहाँ भी संध्या जी प्रत्याशी हमारी, लेकिन कमल का फूल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, संध्या जी आपकी प्रत्याशी हैं, लेकिन वही विपक्ष में फूल सिंह बरैया चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं यूपी का टच बहुत ज़्यादा है और आप अनुसूचित जाति के जो हैं अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है क्या ये जाति का भी वोट बटेगा? मुझे लगता है या यूपी और राजस्थान का टच नहीं चलेगा, यहाँ तो केवल राष्ट्रवाद का प्रभु राम का टच चलेगा। कारण क्या है, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वहाँ सरकार बनी है, क्योंकि एससी के लोगों को लगने लगा है कि हमारा सम्मान और हमारी सुरक्षा किसी पार्टी में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने है। ये मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया है, मुख्यमंत्री रहते ये योगी जी ने भी किया है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ महिलाओं, एससी एसटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए कोई फंडा किसी का षड्यंत्र चलने वाला नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और प्रभु राम की कृपा होने वाली है। ये स्पष्ट कर दिया है लाल सिंह आर्य जी ने कि कोई ना स्त्री ना पुरुष को, ना महिला कैंडिडेट ना पुरुष कैंडिडेट, ना ये और ना वो है, तो सिर्फ श्री राम है। स्वाभाविक है, राम हमारे आस्था के केंद्र है। जिन कांग्रेसियों ने एक बड़ा पाप हिंदुस्तान में किया है कि राम भारत की पहचान है, राम भारत का संयम है, राम भारत की मर्यादा है, राम मन मन में समाये हुए हैं, उन राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लिखकर नहीं जाना, लिखकर देकर नहीं जाना, ये इतिहास में काले पन्नों में लिखा जाएगा कि कांग्रेस ने प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लिखकर देकर नहीं गए हैं, वो प्रभु राम भी नहीं छोड़ेंगे और राम को मानने वाले तो छोड़ने वाले है ही नहीं। फिलहाल मध्य प्रदेश में पूरे 29 फूल खिल रहे हैं। स्वाभाविक है, आपको खबर मिल रही होगी छिंदवाड़ा की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ जीत रही है। इसलिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ केवल कमल दिखाई देगा और दूसरा कोई दल दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, लाल सिंह आर्य जी को आप सुन रहे थे, सिर्फ कमल दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, और चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ श्री राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव लड़ रही है। लाल सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े हैं।